खबर 9 न्यूज को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाकर हमारी न्यूज सबसे पहले प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रिया। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। इंदौर जिले के डॉक्टर अंबेडकर नगर महू में शर्मनाक वारदात सामने आई। माता पिता के पास सो रही 4 वर्ष की मासूम बच्ची को उठा कर ले गया और दुष्कर्म के बाद जघन्य हत्या कर खंडर में फेंक गया। क्या महू में रहने वाली माँ बहन बेटियाँ सुरक्षित हैं या नहीं, क्योंकि ऐसी घटनाएं पूर्व में भी हो चुकी हैं। क्योंकि पुलिस प्रशासन का ध्यान बलात्कार हत्याओं पर नहीं है, वो तो सिर्फ दारू सट्टे और अवैध वसूली में लगी हुई है। 4 साल की मासूम के साथ हैवानियत करने वाले आरोपियों की पुलिस सरगर्मी से तलाश में जुटी है। सूत्रों का दावा है पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों के करीब है, लेकिन जब तक वे पुलिस पकड़ में नहीं आएंगे तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी है। इधर सीएम के ट्वीट के बाद पुलिस फुल एक्शन मोड पर है। देर रात एसएसपी के साथ पश्चिम एसपी ने भी स्थानीय अधिकारियों से देर तक चर्चा के बाद कई बिंदुओं पर निगाहबानी तेज कर आरोपियों की कवायद तेज कर दी है। घटना के आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ने के लिए पुलिस की 10 अलग अलग टीमें काम कर रही हैं, जबकि महू शहर में विधायक से लेकर कैंट बोर्ड उपाध्यक्ष तक महिला अधिकारी हैं, लेकिन कोई भी अभी तक पीड़ित परिवार से मिलने नहीं पहुंचे। घटना है, उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। शायद महू के इतिहास में दूसरी घटना, पहले भी घटना 3 वर्ष पहले हुई थी, और इसमें कहीं ना कहीं जो शराब माफिया है, जिस तरह से राज्य शासन शराब की दुकानों को जगह जगह खोलकर और अपना इनकम बढ़ाने के, उसमें अभी भी जो घटना हुई उसमें कहीं ना कहीं वही कलाली पास में चालू की गई है। एक वर्ष हुआ उसको चालू किया, उस समय नागरिकों ने विरोध भी किया था कि इसको बंद किया जाए। वहीं सारे लोग ड्रिंक करते हैं और उसके बाद में जो भी हो सकता आसपास की घटनाओं को अंजाम देते हैं। ये भी घटना उसी का परिणाम है। उस बच्ची को वहीं उन्होंने शराब पी और पीने के बाद और साथ भी ले गए, वहाँ पर भी घटना की और इस तरह का जो कृत्य किया है निंदनीय है, और शायद समाज में ऐसी घटनाएँ नहीं होनी चाहिए। और उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि पालक लोग अपने परिवार के बीच से और उनको नज़र रख करके और ध्यान रखें कि अपने बालिक बच्चियों को यहाँ वहाँ जाने आने से रोकें, जब तभी घटनाएं रुक सकती जब तक पालक किसी को देखरेख नहीं करेंगे। देखिए, वास्तव में ये बहुत निंदनीय है और ये बहुत जघन्य अपराध है। हम लोगों को, मतलब मैं इतना व्यक्तिगत रूप से आहत हूँ, मैं और मेरा परिवार। ये जब से ये फ्लाईओवर आया है, ये फ्लाईओवर के नीचे के जो बोगदे खुले हुए पड़े हुए, यहाँ इतनी अनैतिक गतिविधियां, संदिग्ध गतिविधियां, और इस बारे में प्रशासन को बहुत पहले से संज्ञान में था और प्रशासन को अवगत है इस मामले में। और ये जो कल बच्ची के साथ दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, बलात्कार करने के बाद उसकी जो हत्या की गई है, ये महू के ऊपर एक कलंक लगा है। और इसलिए मैं कलंक कहूंगा क्योंकि महू एक शांतिप्रिय जगह है, यहाँ अच्छे लोग निवास करते हैं, लेकिन यहाँ जिस तरीके से अपराध बढ़ते जा रहे हैं, और जिस समय भारतीय जनता पार्टी का शासन था यहाँ पर, उस समय मैंने जब ये कलाली बनी थी इसका पुरजोर विरोध किया था, तो बड़ी विचित्र बात सामने आई थी उस समय कि इस पुल का जब निर्माण हुआ था तो कोई इसकी जवाबदारी लेने को तैयार नहीं था। उस समय मैंने तत्कालिक अधिकारी जो भी होंगे उनसे कहा कि भाई यहाँ कलाली आप कर रहे हो, ऑर्डर कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि ये हमें परमिशन तो अन्य डिपार्टमेंट का नाम लिया। मैंने उस कैंटोनमेंट प्रशासन से पूछा कि भाई आप कैसे परमिशन दे रहे हो, तो कहने लगे कि ये तो हमें अभी हैंडओवर ही नहीं किया गया फ्लाईओवर। फिर पीडब्ल्यूडी ने ऐसा कहा, फिर मैंने स्थानीय तत्कालिक एसडीएम जो भी होंगे मुझे याद नहीं है, ये उस समय मैंने एसडीएम से पूछा कि भाई ये किस तरीके के आप ये परमिशन दे रहे हो, क्योंकि मंदिर यहाँ से 50 मीटर दूर, साईं बाबा का मंदिर है, माता बहनें यहाँ से निकलती हैं। आप देखिए रात को यहाँ पर मेला लगता है चक्की वाले महादेव की कितने, लेकिन धूप अंधेरा इतनी संदिग्ध अवस्था हो जाती है यहाँ रात के समय 9 बजे के बाद, कि मैं समझता हूँ कि इधर के जो हमारे मोहल्ले वाले हैं उनके तो लोग यहाँ से निकल नहीं पाते। हमारे महू में साईं बाबा मंदिर चक्की वाले महादेव के यहाँ जो 4 वर्ष की बच्ची के साथ बलात्कार की घटना, और रात को उसके माता पिता के पास से उसको उठाकर ले जाकर जो घटना हुई है, उस विषय में हमारे फाउंडेशन के सभी सदस्यों में बहुत ही ज़्यादा
आक्रोश है और उस आक्रोश को हम SDM के सामने जताने के लिए आए हैं और यह अपील करने आए हैं कि इस तरह के जो अपराध हैं हमारे महू शहर में भी हो रहे हैं और अभी आपने देखा कि जैसे हैदराबाद में भी एक बहुत बड़ी घटना इस विषय पर हो चुकी है, तो हमारा शासन से यही एक निवेदन है कि इस घटना पर कुछ ऐसे एक्शन लिया जाए जो कड़े एक्शन लिए जाएं जिसमें फांसी की सजा हो बलात्कारियों को। अभी तक जितने भी कानून बने हैं, राम मंदिर पर कानून बन चुका है जो एक झटके में हो गया, 370 का कानून भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने अचानक लिया, तो इतनी बड़ी घटना जो हमारे देश की बेटियों के लिए एक जो महत्वपूर्ण विषय है, इस पर कोई क्यों नहीं लेता। हम इस विषय पर यह चाहते हैं कि जो यदि बच्चियों के साथ गलत व्यवहार करता है और ये जो घटनाएं होती हैं, तो उन्हें फांसी की सजा दी जाए। हमारा हम सबका एक ही नारा है कि ऐसे बलात्कारियों को फांसी देनी चाहिए। महू से संजय वर्मा की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।